के बजट में एक अच्छी फिल्म कैसे बनती है ये बता दिया है आर बाल्की ने, जिनकी फिल्म चुप थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आज नेशनल सिनेमा डे है, सारी की सारी टिकट्स 75 रुपए में बिक रही हैं और शो हाउसफुल हैं। एक हाउसफुल शो में बैठकर मैंने ये फिल्म देखी और एंड में तालियां भी बजी। इसी फिल्म का रिव्यू करूंगी मैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, मैं हूँ फिल्मी मोनिका, आप देख रहे हैं गुस्ताख इंडियन। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बात करते हैं फिल्म चुप की, जिसकी कहानी बहुत ही यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हमेशा हम फिल्मों का रिव्यू करते हैं, लेकिन नॉट इवन इन माई नाइट मैस मैंने सोचा होगा कि एक दिन मेरे किसी रिव्यू के कारण कोई सीरियल किलर आके मुझे मार देगा। लेकिन इस फिल्म में यही हो रहा है, एक सीरियल किलर जो बार बार जो फिल्म क्रिटिक्स हैं इनको आके मार रहा है, क्योंकि उसे इनके रिव्यूज पसंद नहीं आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गंदे रिव्यूज वालों को मार रहा है, वो अच्छे रिव्यूज वालों को भी मारेगा। बेसिकली वो झूठ बोलने वालों को मारेगा। ये तो आपने ट्रेलर देख के वैसे भी समझ लिया होगा, लेकिन जो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है इस फिल्म के बारे में वो ये कि वो ये मारता कैसे है। आप सोचो कि आपने स्क्रिप्ट में लिखा है कि इस फिल्म को देख के मेरा सर फटने वाला था, और वो आके आपका सर फोड़ देगा। बहुत ही ग्रूसम किलिंग्स हैं। मतलब जब फिल्म क्रिटिक्स की मौत हो रही थी ना फिल्म में, मैं ऐसे मुंह छुपा के बैठी थी, क्योंकि इतना ग्रूसम था, इतनी ग्रूसम किलिंग्स मैंने कभी किसी बॉलीवुड फिल्म में देखी नहीं है। स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है, ऐसी कोई फिल्म कभी पहले बनी नहीं है। नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है शुरू से लेके एंड तक। नाउ एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है इस फिल्म को, वो ये कि पहले 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि सीरियल किलर है कौन। लेकिन फिर भी जब फिल्म के प्री क्लाइमेक्स सीक्वेंस में वो किलर सामने आएगा, खुल के सामने आएगा कि यही किलर है, आप अपनी कुर्सी की एज पे बैठे होंगे। इसे कहते हैं एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, जो इस फिल्म में आर बाल्की जी ने की है। डायलॉग्स फिल्म के बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन प्ले काफी टाइट है, फिल्म में कहीं भी आप बोर नहीं होते हैं। इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। दलकीर सलमान इज द शो स्टीलर, ही इज ब्रिलियंट इन एवरी फ्रेम ही इज इन। और सनी देओल जो है वो अपने रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं, इज वेरी कन्विंसिंग एज अ कॉप। श्रेया धनवंतरी जो फिल्म की लीड एक्टर हैं, हालांकि उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन जितना भी पार्ट उन्होंने प्ले किया है शी हैज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड विद इट। इनको आप इससे पहले स्कैम 1992 में देख चुके हैं, उसमें भी इन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। इसके अलावा पूजा भट्ट जब स्क्रीन पे आती हैं तो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील होगा, क्योंकि आपने उन्हें सड़क जैसी फिल्मों में काम करते देखा है। लेकिन इस फिल्म में उनको ऐसा लगा मुझे देख के कि उन्होंने अपने डायलॉग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही रिहर्स किए थे, क्योंकि वो बहुत घसीट घसीट के उन्हें बोल रही थी, तो वो नेचुरल नहीं लग रहा था। इसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म में सबने बहुत अच्छा काम किया है, बस कहीं कहीं जो स्टोरी है वो प्रिडिक्टेबल हो जाती है, अदरवाइज ये फिल्म मैं कहती कि बहुत ही कमाल की है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि फिल्म सच में बहुत कमाल की है। आई गिव इट 4 out of 5 stars। इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ वेरी गुड साइको थ्रिलर जो आपको कहीं बोर नहीं होने देगा। एक अपने तरीके की अलग सी कहानी है जिसे देखने में मजा आएगा, और अमिताभ बच्चन का कैमियो इज चेरी ऑन द टॉप। और वो जो बात कहते हैं उसे देख के मुझे लगा कि क्रिटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि फिल्म क्रिटिक्स नहीं होने चाहिए, बच्चन साहब ने फिल्म में बोल दिया है कि क्रिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने देख ली है फिल्म तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और नहीं देखी है तो जाके देखिए, अदरवाइज यू गोना मिस समथिंग गुड।